अरबी के पत्ते के पकौड़े बन के तैयार हो गए। तो खाने में काफ़ी क्रिस्पी होते हैं और बिल्कुल भी इस तरह से आप बनाइए गले में ख़राश भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। पीस हमने कट कर लिया, अब इनको हम फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, काफ़ी क्रिस्पी बने हुए, देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं खाने में। ऐसे हम इस टाइप से करके जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें निकल जाएगा। अगर आप इसे डीप फ्राई नहीं करना चाहती तो आप इस सैलो फ्राई भी कर सकती हैं। हल्का सा तवा पे आप हल्का ऑयल डाल करके तब आप इसे उलट पलट के क्रिस्पी कर सकती हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छे बनते हैं। दोस्तों कावे किचन में आपका स्वागत है। आज हम जो अरबी के पत्ते हैं इनसे हम पकौड़ी तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने अरबी के पत्ते लिए, तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो कुछ हमने इसको हम बेसन से नहीं दाल से बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमने ये उड़द दाल, ये दो कटोरी हमने ये उड़द दाल ली थी और ये आधी कटोरी चना दाल। तो दोनों को हमने 4 घंटे पहले भिगा दिया था, तो अच्छे से दोनों भीगे हैं। तो इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले ये हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, इसमें हम ये चने की दाल डाल देंगे। तो हम 2 कटोरी चने की दाल उड़द की दाल लेंगे, तो आधी कटोरी हम चना दाल लेंगे। इससे इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी बनती हैं ये। इसे बहुत जगह सैंढ़ा भी बोला जाता है, बहुत जगह पतौर भी बोलते हैं। और इसमें हम ये कुछ अदरक हमने लिया है, लहसुन, और ये 3 हमने लाल मिर्च ली है। ये सूखी वाली लाल मिर्च नहीं है, तो ये लाल मिर्च हमने ली है। इनको हम इसमें डाल के पीस लेंगे। और 1-2 चम्मच हमने छोटे 2 चम्मच सौंफ लिया है मोटी वाली, इसको भी डाल देंगे। इससे इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। उसके बाद हम ये उड़द की दाल पीस लेंगे, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है, और इसे हम पीस लेंगे। दाल हमने पीस लिए थे, ये उड़द दाल और ये चना दाल। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, सूखे मसाले। उसमें हमने देखिए अजवाइन लिए हैं, ये गरम मसाला, चुटकी भर हींग लिया, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर है। तो सबको हम इसमें मिक्स कर देंगे। और नमक, तो नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं दाल में अच्छे से मिल जाएं। जो दाल है, दाल में सारे मसाले अच्छे से हमने मिक्स कर दिए हैं। ये दाल देखिए बहुत ना पतली है ना बहुत गाढ़ी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी अगर हम डाल के पीसते तो काफ़ी थोड़ा सा पतला हो जाता, तो ये उस पत्ते में लगाते नहीं बनता, फैल जाता ये। तो देखिए हमें इस टाइप से चाहिए, एक थिक सा बैटर है उस टाइप से। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कि हमने एक थाली ले ली है, आप कोई भी जिस बीढ़ा ले सकती हैं जिस पे आप रोटी बेलती हैं, या आप इससे काउंटर पे भी बना सकती हैं। तो इस टाइप से हम पत्ता लेंगे और ये उल्टे साइड से हम ये रखेंगे। तो पत्ते में पत्ते थोड़े छोटे हैं, अगर बड़े पत्ते हों तो और अच्छा से बनेगा। और इसमें हम इस टाइप से दाल जो हमने ली है, अच्छे से दाल सब तरफ से लगा देंगे, चारों तरफ से, ताकि जो दाल है अच्छे से लग जाए। आप इसे स्पून से भी लगा सकती, पर हाथ से थोड़ा अच्छे से लग जाता है ये। थोड़ा अच्छे से दाल लगाना है, इसके दाल से ही इसका टेस्ट आएगा। ये काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं, देखिए। और हम दूसरा पत्ता लेंगे और फिर हम ऊपर यूँ रखेंगे। तो एक उस पर हम 3 से 4 लेयर 4 पत्ते 5 पत्ते रख करके इसको हम लगा लेंगे इस टाइप से। ये 5 पत्ते हमने एक दूसरे के ऊपर रख करके और इसको हमने अच्छे से दाल से कवर कर दिया। अब हम देखिए सबसे लास्ट वाला पत्ता जो है इस टाइप से हम उठाएंगे, इसको यूँ हम मोड़ते चले जाएंगे, बहुत ध्यान से मोड़ना है। ये देखिए इस टाइप से ये अच्छे से चिपक जाएगा। जो भी दाल एक्स्ट्रा है हम ऊपर से लगा देंगे ताकि पत्ते जो हैं खुलने ना पाए। इसे धागे से बांधने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए तो एक्स्ट्रा दाल हम ऊपर से यूँ लगा दिए। इसी तरह हम बाकी दूसरा भी बना लेंगे,
तो हम एक दो से तीन रोल तैयार करेंगे। तीन हमारे बन चुके हैं और ये चौथा है, तो इसको भी हम पत्ते थोड़े बड़े होते तो ज़्यादा अच्छे से इसमें दाल अच्छे से लग जाती है, मगर ये भी बहुत अच्छे से लग गए देखिए। और जो भी दाल है हम एक्स्ट्रा इस पर लगा देंगे, तब ये जब फ्राई किए जाएंगे तो काफ़ी कुरकुरे बनेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं ये। देखिए सारे दाल हम इस टाइप से हमने लगा दी है पत्तों पे, देखिए। तो हमने चार रोल तैयार किए हैं टाइप के, हमने जाली लिया, इस पर हमने ऑयल से इसको हमने ग्रीस कर दिया ताकि ये इस पर जो दाल है चिपकने ना पाए। तो हम एक एक रोल यूँ उठाएंगे देखिए और ये रखते जाएंगे, आसानी से उठ जाएंगे। और ये चौथा रोल, कढ़ाई में हमने पानी चढ़ा दिया था गरम करने के लिए, तो एक गिलास पानी हमने इसमें लिया है। तो पानी अच्छे से गरम हो गया, तो जो हमने ये छन्नी ली है जिसमें हमने ये रखे हैं बनाने के लिए, तो इसको हम इस पर रख देंगे। और पानी हमने बहुत कम लिया, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला हमने, और इसको हम ढक करके पका लेंगे जब तक ये दाल पकने जा रही है। हम चेक कर लेते हैं पक्का कि नहीं, जैसे ये देखिए दाल अच्छे से पक चुकी है। तो इसको हम उठा करके बाहर रख देंगे, कढ़ाई से बाहर निकाल के रख देंगे, और जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब इसके हम पीस कट करेंगे। देखिए पानी इतना बचा भी है, अच्छे से ठंडे हो गए, तब इसके हम पीस कट कर ले रहे हैं। पीढ़ा पे हमने ये रख लिया है, इसको हम अच्छे से चाकू से इसके पीस कट कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से कट गए, तो सारे पीस कट कर लेंगे। पहले पीस हमने कट कर लिया, अब इनको हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, पकौड़े मस्टर्ड ऑयल में बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं। और तेल अच्छे से गर्म हो गया देखिए, तो गैस की फ्लेम हमने अब स्लो कर दी है, और एक एक जो हमने ये पकौड़े तैयार किए हैं इस टाइप से हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हम स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक तरफ से फ्राई हो गया तो दूसरी तरफ से इन्हें हम पलट देंगे। ये देखिए आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए, इस टाइप से पलट करके हम दोनों साइड से पका लेंगे। तो काफ़ी क्रिस्पी ये बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अच्छे से फ्राई हो गए हैं, काफ़ी क्रिस्पी बने हुए देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं खाने में। ऐसे हम इस टाइप से करके जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें निकल जाएगा। अगर आप इसे डीप फ्राई नहीं करना चाहती तो आप इसे सैलो फ्राई भी कर सकती हैं, हल्का सा तवा पे आप हल्का ऑयल डाल करके तब आप इसे उलट पलट के क्रिस्पी कर सकती हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छे बनते हैं, अरबी के पत्ते के पकौड़े बन के तैयार हो गए। तो खाने में काफ़ी क्रिस्पी होते हैं, और बिल्कुल भी इस टाइप से आप बनाइए, गले में ख़राश भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए।